आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है आव्यू ए में एक्स पंक्तियां और एक्स प्लस पांच कॉलम है ना, वो है कॉलम है। आव्यू बी में वाई पंक्तियां और 11 माइनस वाई कॉलम है। एक्स और वाई के मान क्रमशः क्या हैं यदि ए और बी हमारे पास परिभाषित है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, देखिए पूरा क्वेश्चन ये था कि यदि हमारे पास ए बी और बी ए परिभाषित हैं, यदि ए बी और बी ए परिभाषित हैं, है ना, ये मैं कह रहा था परिभाषित है ना। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आव्यू ए में, बंद कर, ये कह रहा है कि आव्यू ए में एक्स पंक्तियां और एक्स प्लस पांच कॉलम, आव्यू बी में वाई और 11 माइनस वाई कॉलम है ना। एक्स और वाई के मान क्रमशः क्या है यदि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है। तो देखिए दोस्तों, ए बी परिभाषित है ना, तो देखिए ए बी परिभाषित है, इसका मतलब क्या है, देखिए ए बी के परिभाषित होने के लिए हम जानते हैं कि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होंगे ना, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होंगे ना। जो ए में स्तंभ है वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होंगे ना। तो देखिए ए में स्तंभ कितने थे, ए में अपने पास पांच कॉलम है, तो एक्स प्लस पांच बराबर बी में स्तंभ थे, तो बी में कितनी पंक्ति है, वाई। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस पांच बराबर वाई आ गई, या फिर एक्स माइनस वाई प्लस पांच बराबर जीरो, इसको देते हैं समीकरण नंबर एक है ना। अब दूसरा हमारे पास बी ए परिभाषित है ना, हम मान लेते हैं कि हमारे पास बी ए भी परिभाषित है ना। तो देखिए दोस्तों, बी ए परिभाषित होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बी में स्तंभों की संख्या कितनी दे रखी है, बी में हमें कॉलम दे रखे हैं 11 माइनस वाई कॉलम है ना। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दे रखे हैं 11 माइनस वाई बराबर ए में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, ए में पंक्तियां कितनी दे रखी है, एक्स पंक्तियां है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स पंक्ति ना, 11 माइनस वाई बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस वाई माइनस 11 बराबर जीरो, तो इसको देते हैं समीकरण नंबर दो है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम समीकरण एक व दो को जोड़ दें है ना, समीकरण एक व दो को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस पाँच बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस पाँच बराबर जीरो, और दूसरा दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस 11 बराबर जीरो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया टू एक्स माइनस, देखिए 11 और पाँच छः हो गया, इक्वल टू छः जीरो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2, मतलब कि x का मान आ गया अपने पास 3 है ना। अब भाई यदि हम y का मान निकालना चाहे तो इस समीकरण में रख देंगे, तो जाएगा y बराबर 11 माइनस एक्स, तो ये जाएगा अपने पास 3। तो यहाँ से हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 8 आ गया ना। तो y का मान 8 और x का मान 3, तो x का मान 3 और y का मान 8 हमारा उत्तर हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।